आज हम कर रहे हैं टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यहां डबल काउंटिंग का मतलब है कि जब हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, मेजर करते हैं, तो कई बार उसके अंदर चीजें डबल मतलब एक से ज्यादा बार ऐड हो जाती हैं। तो इस वजह से नेशनल इनकम हमें मतलब इंक्रीज दिखती, जबकि वो होती नहीं है, वो मतलब रॉन्गली हमें इंक्रीज उसकी वैल्यू दिखती है। तो ये वजह है, मतलब ये किस वजह से होता है, डबल काउंटिंग की वजह से, यानी कि एक से ज्यादा बार चीजों का ऐड हो जाना। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम कैसे होती है एंड हाउ टू सॉल्व इट, और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि डबल काउंटिंग वाली दिक्कत ना आए, यानी कि कोई भी चीज एक से ज्यादा बार ना ऐड हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती क्या है। ठीक है, मान लिया एक, जैसे एक प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रेड का प्रोडक्शन है, ब्रेड का, ब्रेड प्रोडक्शन लाइन, एक मैं ब्रेड की प्रोडक्शन लाइन बना रहा हूं। सबसे पहले फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, फिर फार्मर ने ये वीट बेच दिया फ्लोर मिल वाले को, आटा जो बनाता है, ठीक है, फ्लोर उसने बनाया, आटा बनाया, उसने ये आटा बेच दिया आगे बेकर को, बेकर ने उसमें ब्रेड बनाई, ठीक है, फिर ब्रेकर जो बेकर है उसने ब्रेड बेच दी आगे किसी हलवाई को, ठीक है, उसने इसका मान लिया ब्रेड पकोड़ा बनाया, ब्रेड पकोड़ा, फिर इसने आगे बेच दिया कंज्यूमर को। अब फार्मर ने जो वीट का प्रोडक्शन किया था वो था 5 रुपए का, फिर फ्लोर मिल वाले ने उससे वीट खरीदा और इसने 7 रुपए का आटा आगे बेच दिया बेकर को, बेकर ने उसकी ब्रेड बनाई और 15 रुपए का आगे बेच दिया हलवाई को, हलवाई ने इसका मान लिया 20 रुपए का ब्रेड पकौड़ा बनाया और कंज्यूमर को बेच दिया 25 रुपए का। तो हमें नेशनल इनकम में, आप सोच के बताओ, हमें नेशनल इनकम में क्या ऐड करना चाहिए? अगर नेशनल इनकम हम फार्मर के पास जाएंगे कि भाई तुमने कितने प्रोडक्शन किया, वो कहेगा जी मैंने 5 का प्रोडक्शन किया, हमने 5 रुपए नेशनल इनकम में ऐड कर लिया। ठीक है, अब फार्मर को तो नहीं पता कि जो वीट लेके जा रहा है फ्लोर मिल वाला, क्योंकि हर बंदा अपने कस्टमर से ये थोड़ा ना पूछता है कि तू भाई इस जो स्टॉक लेके जा रहा है इसका प्रोडक्शन करेगा या फाइनल गुड है, है ना। फार्मर ने सोचा भाई ये फाइनल गुड्स है, क्योंकि फाइनल गुड्स ही ऐड करना चाहिए नेशनल इनकम में, तो फार्मर के लिए तो भी फाइनल गुड है, उसने सोचा ये फाइनली जा रहा है और ये कंज्यूम करेगा, तो उसने 5 रुपए नेशनल इनकम में ऐड कर लिए। अब फ्लोर मिल वाले ने भी 7 रुपए ऐड कर लिए नेशनल इनकम में, उसने भी करवा दिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि जो आटा लेके जा रहा है वो बेकर है या कौन है, वो क्या करेगा उसका, तो 7 रुपए भी ऐड हो गए, क्योंकि फ्लोर मिल वाले के लिए आटा एक फाइनल प्रोडक्ट है। फिर बेकर ने ब्रेड बनाई 15 रुपए की, उसने भी नेशनल इनकम में 15 रुपए ऐड करा दिए, उसने सोचा ब्रेड तो उसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड्स ऐड होना चाहिए नेशनल इनकम में, उसने ऐड कर दिया। अब हलवाई ने आगे 20 रुपए का वो बेचा, उसने भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये सारे के सारे नेशनल इनकम में ऐड हो गए। अब देखो ये 5 रुपए की वैल्यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, ये 7 रुपए इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी, तो यानी कि एक चीज कितनी कितनी बार इंक्लूड हो गई, और नेशनल इनकम हमें पता है कितनी दिख रही है, ये 25 रुपए भी आ गया और नेशनल इनकम हमें दिख रही है 12, 17, 27, 47, 47 और 55, 72, हमें दिख रही है नेशनल इनकम 72 रुपीज की, जबकि नेशनल इनकम होनी कितनी चाहिए, नेशनल इनकम तो अगर आप प्रॉपरली देखें तो उसमें ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स तो ऐड होने नहीं चाहिए, सिर्फ फाइनल गुड, फाइनल गुड्स तो ये है जो 25 रुपए का कंज्यूमर को बेचा गया है ना, तो सिर्फ यही ऐड होना चाहिए क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट है, बाकी सब तो इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर सब अपना प्रोडक्ट को फाइनल समझ रहे हैं तो नेशनल इनकम 72 दिख रही है, तो यानी कि ये गलत सिस्टम है, ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब इसका करें क्या,
कैसे बच सकते हैं, हाउ टू अवॉइड इट। अब नेशनल इनकम को किससे काउंट करें, इनकम मेथड से काउंट करें, नहीं अच्छा नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करें नेशनल इनकम, नहीं इसमें भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है। तो हमें प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम काउंट करनी चाहिए, हाँ इसमें आप बच सकते हो, डबल काउंटिंग नहीं होगी। और प्रोडक्शन मेथड में भी दो मेथड है, एक है फाइनल प्रोडक्ट मेथड, एक है वैल्यू एडेड मेथड। तो हम किससे करें, प्रोडक्शन मेथड मैंने बताया इनकम मेथड अच्छा मेथड नहीं है नेशनल इनकम काउंट करने के लिए, एक्सपेंडिचर मेथड भी अच्छा मेथड नहीं है, प्रोडक्शन मेथड एक मतलब अच्छा मेथड है। तो प्रोडक्शन मेथड में भी दो रास्ते हैं, फाइनल प्रोडक्ट मेथड से मतलब हम नेशनल इनकम काउंट करें या वैल्यू एडेड मेथड से। तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड भी ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना ये जो एग्जांपल था ये इसी का था, क्योंकि हर एक जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट समझ रहा है और उसे नेशनल इनकम में ऐड कर देता है ना। इसने कर दिया, इसने अपने प्रोडक्ट आटे को समझा कि फाइनल है ऐड कर दिया, इसने सोचा ब्रेड फाइनल है फाइनल प्रोडक्ट ऐड कर दिया, इसने ब्रेड पकौड़े को फाइनल प्रोडक्ट करके ऐड कर दिया। तो सबने अपने अपने प्रोडक्ट को फाइनल समझा, जबकि होना फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ 25 रुपए ही ऐड होना चाहिए था जबकि सबने कर दिया। तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट मेथड भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वैल्यू एडेड मेथड जो है नेशनल इनकम को मेजर करने का बेस्ट मेथड है, इसमें डबल काउंटिंग कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, चेक करते हैं। अब यहां मैं जो मैं नेशनल इनकम ले रहा हूं वैल्यू एडेड मेथड से ले रहा हूं, वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड मेथड में जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना तो हम किसी का ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं ऐड करते, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू एडेड को प्लस करते हैं, तो बिल्कुल सही आता है। मैंने क्या बताया सही आंसर क्या होना चाहिए, 25, जबकि ये सब ऐड करा देते जिसकी वजह से हाइक हो जाती है नेशनल इनकम। अब देखो वैल्यू एडेड से जब हम करेंगे ना तो आंसर 25 ही आएगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है वही आना चाहिए। कैसे, फार्मर ने कितनी वैल्यू एडेड की, फार्मर ने क्या लगाया, मान ली फार्मर ने अभी मेहनत से 5 रुपए यानी कि 0 लगाया और 5 रुपए का बेचा, तो वैल्यू एड कितनी की, 5 रुपए। फ्लोर वाले ने कितनी वैल्यू एडेड की, इसने 5 का लिया और 7 का आगे बेचा, 5-7 है ना, तो इसने 2 रुपए वैल्यू एड की, इसने 5 रुपए वैल्यू एड की, इसने 2 रुपए वैल्यू एड की, इसने क्या किया 7 रुपए का लिया और 15 का बेचा, यानी कि इसने 7 लिया और 15 का बेचा यानी कि 8 रुपए वैल्यू एडेड की, इसने 15 का लिया और 20 का बेचा तो यानी कि इसने 20-15 यानी कि 5 रुपए वैल्यू एड की, और इसने 20 का लेके 25 का बेचा तो यानी कि कितनी वैल्यू एड हुई यहां पर, 5 रुपए है ना। तो यानी कि कितनी वैल्यू एड हुई यहां पर, 25-20 यानी कि 5 रुपए। तो सबकी अगर मैं वैल्यू एडेड जोड़ू, 5+2 ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 कट। तो अगर मैं सबकी वैल्यू एडेड जोड़ लूं तो कितनी आएगी, 5, इसकी 2, इसकी 8, इसकी 5 और इसकी भी 5, 5+7+8+15+20+25। देखो वैल्यू एडेड सबकी मैंने देखी तो 25 आई, और 25 ही ऐड होना चाहिए। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट तो 25 है, लेकिन गलती से सब अपना प्रोडक्ट ऐड करवा देते हैं, लेकिन होना सिर्फ ही ऐड चाहिए, यही नेशनल इनकम होनी चाहिए, ऐड होना चाहिए नेशनल इनकम में। तो देखो अगर हम वैल्यू एडिट से करते हैं तो वही 25 आता है, यानी कि वैल्यू एडिड मेथड इज बेस्ट मेथड टू मेजर नेशनल इनकम, इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी ना, तो एनएनपीएफसी को हम मेजर कर सकते हैं दो टाइप से, एट करंट प्राइसेस, एट कांस्टेंट प्राइसेस। हम नेशनल इनकम को दो टाइप से मेजर करते हैं, करंट प्राइसेस कांस्टेंट प्राइसेस। क्या चीज है ये, सुनो ध्यान से। मान लिया मुझे नेशनल इनकम 2000
17 की नेशनल इनकम मेजर करनी है, नेशनल इनकम। तो कैसे करूंगा मैं भाई, 2017 में इतना क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ था, ये प्राइस था, यानी कि 100 चीजें बनी थी और 10 रुपए रेट था, नेशनल इनकम हो गई भाई जितना प्रोडक्शन होता है ना, 100 चीजों का प्रोडक्शन हुआ, 10 रुपए प्राइस, यानी कि 1000 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ, तो ये नेशनल इनकम हो गई। अब आया 2018, इसकी नेशनल इनकम मान लिया जो प्रोडक्शन बढ़कर हो गया 150 का, 150 चीजें बनी और प्राइस बाय चांस बढ़कर हो गया 20 रुपए, तो नेशनल इनकम हो गई 3000 रुपए। तो नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है आपके हिसाब से, एक साल में 2000 नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई। तो एक जो मान लिया दो इकोनॉमिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि भाई मैं तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस निकालूंगा, तो उसने नेशनल इनकम निकाल के दिखाई। इसी नेशनल इनकम को एक और दूसरा इकोनॉमिस्ट है, वो कहता है नहीं जी मैं तो कांस्टेंट प्राइस पे निकालूंगा। मतलब वो क्या कहता है, कह रहा जी 2017 में नेशनल इनकम निकाल रहा हूं मैं, कह रहा क्वांटिटी और प्राइस, कह रहा जी ठीक है 100 क्वांटिटी है, 10 रुपए प्राइस है, नेशनल इनकम 1000 रुपए, कह रहा मान लिया। वो कह रहा 2018 आया, क्वांटिटी बढ़कर 150 हो गई, ठीक है, लेकिन कह रहा प्राइस 20 हो गया, लेकिन कह रहा नहीं मैं 20 रुपए नहीं लूंगा, मैं प्राइस वही 10 रुपए ही लूंगा, यानी कि नेशनल इनकम कह रहा कि मेरे हिसाब से 1500, यानी कि मेरे हिसाब से सिर्फ 500 बढ़ी है। ये कह रहा नेशनल इनकम 2000 बढ़ गई, वो कह रहा नेशनल इनकम 500 बढ़ी है। फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि ये जो कंसेप्ट है उसमें जो नेशनल इनकम निकाली जाती है वो करंट प्राइस में निकाली जाती है। करंट प्राइस का मतलब है कि जिस ईयर की नेशनल इनकम हम निकाल रहे हैं उसी ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। मतलब 2017 में अगर मैंने नेशनल इनकम निकाली तो 2017 के प्राइस जो भी चल रहे थे उससे निकाली, 2018 में जब मैंने नेशनल इनकम निकाल रहा हूं तो 2018 का जो प्राइस था क्वांटिटी को उससे मल्टीप्लाई करके नेशनल इनकम निकाली है। यहां पर क्या होता है, 2017 की जो नेशनल इनकम निकाली इस रेट पे निकाली, 2018 की जो नेशनल इनकम निकाली है वो भी उसी प्राइस में निकाली है। ये नहीं कि यह प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस तो बढ़ा है, लेकिन हम इस कंसेप्ट में बड़े उस वाले 2018 के प्राइस से नहीं लेंगे, एक कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट मतलब 2017 को हमने कांस्टेंट मान लिया, 2017 के हिसाब से प्राइस लेकर नेशनल इनकम निकाली है। यानी कि अगर मान लिया 2019 की नेशनल इनकम निकालनी होती, 200 का प्रोडक्शन हो गया मान लिया और रेट बढ़कर 30 हो गया, तो उसके हिसाब से तो 6000 नेशनल इनकम आती 2019 की, और ये अगर निकालता 2019 की नेशनल इनकम तो 200 का प्रोडक्शन ये फिर भी 10 रुपए ही लेता कांस्टेंट, कह रहा है मैं तो कांस्टेंट ही लूंगा प्राइस, यानी कि 2000 आती इसके हिसाब से। तो यानी कि दोनों कंसेप्ट में फर्क क्या है, इसमें नेशनल इनकम जिस ईयर की नेशनल इनकम निकाली जा रही है उसी ईयर के प्राइस ले जा रहे हैं, जिस ईयर की नेशनल इनकम निकाली जा रही है उसी ईयर के प्राइस, जिस ईयर की नेशनल इनकम उसी ईयर के प्राइस जो भी उस समय करंट चल रहे थे। लेकिन यहां पर जिस मर्जी ईयर की नेशनल इनकम निकाली हो, हमने 2017 को ना, हमने 2017 को बेस ईयर मान लिया, बेस ईयर। तो यानी कि जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो 2017 यानी कि बेस ईयर की प्राइस ले रहे हैं बार बार, ठीक है ना। तो यहां पर 10 से किया, 2018 की नेशनल इनकम निकाली, हालांकि रेट यहां पे 20 है लेकिन हम तो फिर वही ले रहे हैं, 2019 की नेशनल इनकम हालांकि रेट बढ़ गया होगा लेकिन हम फिर भी वही ले रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये था नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, ये है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो आप इसमें बताओ कि कौन सा सही मेथड है, क्या हमें अपनी नेशनल इनकम कैसे मेजर करनी चाहिए, इससे या इससे कौन सा बेस्ट मेथड है। तो ये आप ध्यान रखना कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में ये बेस्ट मेथड है, ये नहीं है। क्यों नहीं है इसका अभी डिस्कस करते हैं। इसका एक नाम और भी है, इसे हम नॉमिनल नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं और इसे हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। तो अब इसे नॉमिनल नेशनल इनकम से रियल नेशनल इनकम बोलते हैं, तो हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों बेस्ट है ये, क्यों बेस्ट है ये, क्यों नहीं बेस्ट, इसे मैं क्यों कह रहा हूं कि ये नहीं, ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो हमारी जो नेशनल इनकम बढ़ रही है, किसी भी कंट्री में जो नेशनल इनकम बढ़ती है इकोनॉमी में, वो किसकी वजह से बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए उसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, ना कि प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से नेशनल इनकम कभी नहीं बढ़ती, प्राइस बढ़ने से कभी भी कोई देश ये थोड़ा ना अमीर हो जाएगा। कोई भी कंट्री डेवलप होती है किस वजह से,
अगर वहां पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने से, क्योंकि जब जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना लोगों की इनकम बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी। यानी कि प्रोडक्शन होगा तो फैक्टर्स को काम मिलेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबको काम मिलेगा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ेगा उनको, फैक्टर्स को काम मिलेगा, उनकी इनकम बनेगी और नेशनल इनकम राइज होगी। प्राइस बढ़ने से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो यहां पर जो नेशनल इनकम आपको दिख रही है, ये जो नेशनल इनकम बढ़ी है, इसके अंदर दोनों का इफेक्ट है, क्वांटिटी बढ़ने की वजह से भी और प्राइस बढ़ने की वजह से भी, दोनों की वजह से आई है ना। यानी कि ये जो नेशनल इनकम है बढ़ी हुई दिख रही है, इसकी दो वजह है, प्राइस और क्वांटिटी। लेकिन यहां पर जो आपको नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिख रही है, जो नेशनल इनकम दिख रही है, इसमें प्राइस का इफेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ी है। यानी कि ये जो बढ़ी है इसमें सिंगल इफेक्ट क्वांटिटी की वजह से बढ़ना है, क्योंकि प्राइस को तुमने कांस्टेंट कर दिया। और यहां पर जो ये बढ़ रही है, ये किसकी वजह से? क्वांटिटी और प्राइस दोनों वजह से बढ़ रही है। समझ में आ गया? इसलिए ये ट्रू पिक्चर दिखाती है कि वाकई में ही हमारे यहां जो 500 बढ़ी है वो रियल में प्रोडक्शन की वजह से बढ़ी है। ये ट्रू पिक्चर दिखा रही है। यहां पर हमें पिक्चर क्लियर नहीं है, यहां पर एक इल्यूजन है कि बढ़ रही है, दिख रहा है बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली 2000 नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्शन की वजह से तो अगर हिसाब लगाएंगे तो कम ही बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए ये वाली नेशनल इनकम हमें सही नहीं बताती है, ये नेशनल इनकम हमें रियल, इसलिए से रियल नेशनल इनकम से नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। तो एग्जाम में कई बार इसके बीच में डिफरेंस आता है, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि इसे नॉमिनल बोलते हैं, इसे रियल बोलते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि ये जो नेशनल इनकम है इसके अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों का इफेक्ट होता है। यहां पे लिख सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी का इफेक्ट होता है। तीसरा लिख सकते हो कि ये जो नेशनल इनकम है ये विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकती है। समझ में आया? प्रोडक्शन ना बढ़े लेकिन फिर भी ये वाली नेशनल इनकम बढ़ सकती है। कैसे? देखो, यहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता था, प्रोडक्शन 100 का 100 ही है, फिर भी नेशनल इनकम यहाँ पे 2000 दिख रही है, 1000 से 2000। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा फिर भी नेशनल इनकम बढ़ी हुई नजर आ रही है ना। तो ये विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ये वाली, ये कैन नॉट इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा ना, देखो अगर मैंने 100 कर लिया तो देखो 1000, यहां भी 1000, यहां भी 1000। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ नहीं तो ये बढ़ जाएगी, नहीं, ये नहीं बढ़ सकती ऐसे। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ा नहीं लेकिन नेशनल इनकम में बढ़ी हुई नजर आ सकती है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस है, इस टाइप के 2-3 डिफरेंस आ सकता है, 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है और काफी इंपॉर्टेंट है, करना है इसको।